उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगी। इसके लिए जरूरी है कि सभी ITI पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान इंडस्ट्रीज की मांग को समझकर उनके अनुरूप अपने ट्रेड और पाठ्यक्रम तैयार करें। युवाओं को जॉब और सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। सीएम योगी शहर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रोजगार मेला और नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ये बातें बोल रहे थे। रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों समेत आजीविका मिशन और नवाचार से जुड़े स्टॉलों का अवलोकन भी किया। उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं गाड़ी को बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को ले भी आत्मनिर्भर का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। ऐसे ही कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके, शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और व्यक्ति उसका निर्माण करके शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा, तो लोग